जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब वो अपोजिशन में रहे हैं, और सदन का काम किस तरह से चलता है अपोजिशन का, खास करके इस बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, और मुझे लगता है जानकारी होगी इसलिए उनको संसदीय कार्य मंत्री बनाया होगा। अपोजिशन का काम है सरकार को सवाल पूछे, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अगर आप हमारे सवालों को जवाब नहीं देना चाहते तो हम खड़े रहेंगे, हम वेल में आएंगे, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये हमें डेमोक्रेसी ने दिया हुआ राइट है। मैं खुद सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके साथ काम किया है, अरुण जेटली जी के साथ काम किया है, बहुत से नेताओं के साथ मैं राज्यसभा में रहा हूँ, और उनकी भी काम करने की तरीका यही था। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लेकर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लेकर प्रहलाद जोशी आ रहे हैं मुझे मालूम नहीं। अगर आपने ये हमारे सांसदों ने, हमारे जो साथी है कांग्रेस के, उसने अगर पूछा होगा कि अमित शाह सदन में आओ और जवाब दो कि पार्लियामेंट में इस प्रकार से लोग कैसे घुस गए, ये देश के सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है, उसमें गलत क्या है? गृहमंत्री जी को आना चाहिए था, गृहमंत्री इस बारे में बाहर बयान देते हैं और सदन में आकर बात नहीं करते, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? प्रहलाद जी को ये बात समझनी चाहिए। सर, पीएम मोदी ने टारगेट सेट किया है कि अब की बात 50% के पार वोट्स, जो मीटिंग हुई उसमें क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? अब की बार 50% के ऊपर वोट्स जाएंगे 2024 के लिए। हाँ हाँ, ईवीएम है ना, ईवीएम है तो सब कुछ मुमकिन है, बहुत कॉन्फिडेंस है ईवीएम के ऊपर, लेकिन हमारा नहीं है। हमने ये कहा है इंडिया मीटिंग में दिल्ली में, ठीक है ज़रूर आप ईवीएम से वोटिंग कर लीजिए, लेकिन वीवीपैट जो होता है, जो स्लिप आती है, वो हमारे हाथ में आनी चाहिए और हम वो डालेंगे बॉक्स में। 100% वीवीपैट काउंटिंग करिए, यह हमारी मांग है। 100% बैलेट पेपर की बात तो आप मानेंगे नहीं, नहीं तो आप हार जाएंगे। पूरे विश्व में ईवीएम नहीं है, आप महाशक्ति हो ना, अब अपने आपको महाशक्ति मानते हो ना, तो जो देश अपने आप को महाशक्ति मानते हैं, जिसमें चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। ये मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, आप अगर अपने आप को उस लेवल पे मानते हो तो उस तीन बड़े देशों की तरह यहाँ भी बैलेट पेपर पर चुनाव लेकर 300 नहीं 500 पार लेके जाइए, हमारा चैलेंज है। सुब्रत पाठक जो बीजेपी के एमपी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है टेंपल के, राम मंदिर के टेंपल के एसोसिएशन को, कि जो एसपी के नेता है उनको बुलाया ना जाए, क्योंकि उन्हीं के रेजिम में जो है वो राम भक्तों को गोली मारी गई थी, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? लेकिन मुलायम सिंह यादव जी को तो पद्म विभूषण आपकी सरकार ने दिया है ना, मुलायम सिंह यादव जी जिनके ऊपर आरोप था, उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, पद्म विभूषण किसने दिया? मोदी जी ने दिया, मोदी जी तो उनको चरण स्पर्श करते थे, छोड़ दीजिए बकवास बातें। ठीक है, MLA है, ठीक है, बोला तुमचा प्रश्न काय? कोण? सुनील केदार। हाँ, आता सुनील केदार जी बघा, काँग्रेसचे नेते आहेत सुनील केदार, आमचे सहकारी आहेत, ज्येष्ठ नेते आहेत काँग्रेसचे, विदर्भातलं फार महत्त्वाचं नाव आहे, लढवय्ये नेते आहेत। खरं म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे असे अनेक नेते आहेत ज्यांच्यावर ते असे खटले चालले पाहिजेत आणि त्यांनाही अशा प्रकारच्या शिक्षा ठोठावल्या पाहिजेत, पण सध्या न्यायालयांवरती ज्या प्रकारचा दबाव आहे त्याच्यामुळे विरोधी पक्षातल्या लोकांना समन्स येतील, विरोधी पक्षातल्या लोकांना चटका होतील आणि विरोधी पक्षातल्या लोकांच्या खासदारक्या रद्द होतील, त्याच्यामुळे सुनील केदार यांना 5 वर्षाची शिक्षा ठोठावली आणि त्यांच्या आमदारकीवरती तलवार लटकवली याचं मला आश्चर्य वाटत नाही। पण सुनील केदार हे लढवय्ये नेते आहेत, संपूर्ण महाविकास आघाडी, खास करून शिवसेना ही सुनील केदार यांच्या बरोबरीनं ठामपणे लढत राहील।
अमित त्यांच्या पाठीशी आहोत. सुनील केदार जी जो काँग्रेस के वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के, बहुत ही जुजारू और लड़ाऊ नेता है, उनको 5 साल की सजा सुनाई गई. हमने अब तक सरकार के पास ऐसे 50 केसेस भेजे हैं, इनके ऊपर केसेस चलने चाहिए और 10-10 साल की सजा लगनी चाहिए. ये दादा भुसे, ये बीमा पाटस सहकारी कारखाने शुगर फैक्ट्री वाले राहुल कुल, सैकड़ों करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें, उनके ऊपर भी केसेस चलाइए, उनको भी पनिशमेंट दीजिए, उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए. लेकिन सुनील केदार के साथ पूरी महा विकास आघाड़ी खड़ी है और खड़ी रहेगी. तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है अभी कहीं ना कहीं हिजाब बैन के ऊपर वो जो डिसीजन लिया हुआ था उसको पीछे लेने की बात कर रही है. चिखलकरांनी अनेक पक्ष बदललेले आहेत माझ्या माहितीप्रमाणे, त्याच्यावरती मी काही कॉमेंट करणार नाही. गोपाल मंडल है जेडीयू के एमएलए.